शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ। ये रोटी है ना जुल्मी बड़ी बेवफा है, डायरेक्टर है, इसने हमको बहुत चक्कर दिया जमादार साहब। 12 बरस पहले अगर यही रोटी मुझे जेल खाने के बाहर मिल जाती ना तो इसी के पीछे बार बार यहाँ चक्कर क्यों लगाने पड़ते। हम तो मोहब्बत का गीत सुनना चाहते हैं, चाहे वो दीपक हो, मल्हार हो, खमाज हो, ख्याल हो, मियाँ की तोड़ी हो, काल का बिंदा का तोड़ा हो, कुछ भी हो, अगर हो मोहब्बत। खूबसूरत का सवाल नहीं गोपाल, बल्कि उसे देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि यही वो लड़की है जो तुम्हें सचमुच प्यार करती है। और मैं डरता हूँ अगर उसका प्यार सच्चा है तो कहीं वो दरिया की लहरों का रुख फेर कर न रख दे। बेकार आवारा, आप ठीक कहते हैं, अनपढ़, यही मेरी बदकिस्मती है देवी जी कि मैं अनपढ़ नहीं। अगर ऐसा होता तो कम से कम टोकरी ढो सकता था, स्टेशन पर हमाली कर सकता था, मगर क्या करूं, मैं ग्रेजुएट हूँ, बीए पास। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। चार्ली चैपलिन का मासूम अंदाज लिए अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को सलाम करते हुए राज कपूर बड़ी आसानी से हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में उतर गए। उनका जूता और पतलून भले ही इंग्लिस्तानी था, पर उनका दिल पूरी तरह से सच्चा हिंदुस्तानी था। पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे राज कपूर ने फिल्मी दुनिया में कपूर खानदान का नाम आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। राज कपूर, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ हिंदी फिल्म्स, वाज बोर्न ऑन 14th ऑफ दिसंबर 1924। फिल्म्स में एक्टिंग का स्वाद राज कपूर ने बचपन में ही चख लिया था, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म इनकलाब में। पढ़ाई की तरफ ज्यादा रुझान नहीं था, इसलिए पिता पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें डायरेक्टर केदार शर्मा के पास असिस्ट करने भेज दिया। वहां ये नौजवान राज क्लैपर बॉय बन गया। डायरेक्टर केदार शर्मा ने उन्हें जब आईने के सामने अपने बाल सवारते और खुद को निहारते देखा तो वो समझ गए कि ये कैमरा के सामने आने के लिए ही बना है। इसलिए उन्होंने राज कपूर को बतौर हीरो पहला ब्रेक दिया 1947 की फिल्म नील कमल में। राज कपूर के अंदर फिल्मों में कुछ कर गुजरने की एक अलग ही आग थी। सिर्फ 24 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना प्रोडक्शन बैनर शुरू किया आर के फिल्म्स। और पहली फिल्म आग में उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग की बल्कि उसे प्रोड्यूस डायरेक्ट भी किया। फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड रही, जिसके बाद उन्होंने बनाई अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म बरसात, जिसने आर के फिल्म्स को ट्रूली एस्टैब्लिश कर दिया। यहीं से शुरू हुई उनकी एक्ट्रेस नरगिस के साथ एक शानदार पारी। साथ ही राइटर के ए अब्बास, म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, सिंगर्स मुकेश और लता मंगेशकर सभी आर के फिल्म्स का एक अटूट हिस्सा बन गए। राज कपूर की स्क्रिप्ट सेंस लाजवाब थी। ही ऑल्सो हैड अ ग्रेट ईयर फॉर म्यूजिक। यही वजह थी कि उनकी फिल्म्स मेलोडियस म्यूजिक और मीनिंगफुल कंटेंट के लिए जानी जाती थी। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? कहता है तेरा मुश्किल, नहीं है कहां मंजिल। आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, राम तेरी गंगा मैली जैसी अनेकों फिल्में आज भी कोई भूला नहीं। आर के फिल्म्स की यादगार फिल्मों में जिस देश में गंगा बहती है, बूट पॉलिश और जागते रहो जैसी सोशली रेलेवेंट फिल्में भी शामिल हैं। आर के फिल्म्स के अलावा राज कपूर बाहर की फिल्मों में भी काम करते रहे, जैसे चोरी चोरी, फिर सुबह होगी, अनाड़ी, छलिया, तीसरी कसम, अराउंड द वर्ल्ड,
सपनों का सौदागर, दो जासूस और अब्दुल्ला। तो चलिए लेट्स रीलिव द मैजिक ऑफ राज कपूर। मैं शरीफ नहीं हूं। जंगली तो के हाथ आने वाली नहीं। बोला भागकर कहां जाओगी? छोड़ो मेरा हाथ, ये कहां गांव का मजाक है। जंगली कहीं के? मैं जंगली हूँ। हाँ हाँ, जंगली 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 हूँ। गरीबन पर आवारा हूँ। शायद की नाजुक को छूने की तमीज नहीं। मेरे सख्त हाथों से तुम्हारे फूल से बदन को ठेस लगती है। मैंने माँ से पहले कहा था कि बचपन के दिन और बचपन के साथी फिर कभी लौट कर नहीं आए। अच्छा वो तुमने मुझे मेरा नीचा कच्चा याद दिला। मजाक की बात सब मारना चाहते लो मार। किसे मार? तुम्हें या अपने आप को? आप लोग मुझे क्यों मारते हैं? मेरा कसूर क्या है? गरीब किसान का बेटा हूं मैं। नौकरी ढूंढने शहर में आया था। प्यास से मेरी छाती फट रही थी। दो घूंट पानी पीने आपके मकान में आ गया। यही मेरा कसूर है ना, जो आप लोग मुझे चोर चोर बोलकर इस तरह पीछे पड़ गए जैसे मैं आदमी नहीं हूं, बावला कुत्ता हूं। मैं चोर हूं। इतने बड़े मकान में मैं जहां भी गया हूं वहां हर रकम का चोर और हर किस्म की चोरी मैंने देखी है। इज्जत आबरू के चोर देखे, अपनी 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 घरवाली के जेवर चुराने वाले देखे, शराब बनाने वाले, नकली लोट चापने वाले, कितने पाप आपकी जराफत में भरे हुए ये मुझसे पूछो। आप सब पढ़े लिखे बड़े आदमी हैं, मुझ गंवार को यही शिक्षा दी कि बिना चोर बने कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। गरीब किसान के छोकरे ने आज यही सीखा कि चोर बनू, गुंडा बनू, डकैती करूं, बेईमानी से रुपया कमाऊं और तुम्हारी मुंडी पर अपना पांव देकर तुमसे बड़ा आदमी बनूं। यही बनूंगा मैं, यही बनूंगा। एक तरफ मुझे भगवान कहकर मेरे चरणों में मोहब्बत के फूल बिखेरे और दूसरी तरफ उस भोले भाले दिलीप को पार्टीज, क्लब्स, बॉलरूम, डांसेस और हर विलायती अंदाज से अपना दीवाना बना रखा था। आपके पास क्या सबूत है कि नीना दिलीप से मोहब्बत करती है जिसकी बिना पर आपने उसे ठुकरा दिया? यही एक सबूत क्या कम है कि मेरे आने से पहले उसने कभी दिलीप को यह नहीं बताया कि उसकी मोहब्बत का हमारा कोई राजन भी उसकी जिंदगी में है, जिसे वो भगवान कहकर लुभाया करती थी। हमारी शादी से पहले उसने दिलीप को आधी जायदाद और कारोबार देकर उसे अपने चुंगल में जकड़ लिया ताकि वो कभी उससे अलग ना होने पाए, और शादी के बाद ये उसकी जुदाई में किसी रात चैन की नींद न सो सकी और उसी की मोहब्बत में इसने अपनी सहेली शीरा को भी उसके साथ शादी न करने दी। जब मैंने पूछा कि दिलीप शीला से शादी क्यों नहीं कर लेता तो कहने लगी कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। तो फिर किससे मोहब्बत करता? किससे मोहब्बत करता? कोई जवाब न बन पड़ा। बिगड़ कर बोली कि तुमने मेरी मोहब्बत का अपमान किया है। अपमान? मोहब्बत का अंधा राजन उसके हर झूठे लफ्ज को उस वक्त सच समझ रहा था, मगर इसकी मर्जी के खिलाफ जब मैं इसे शिमले से वापस ले आया तो अंधेरे में मुझे दिलीप समझकर खुद मुझसे उसकी मोहब्बत का करार किया। इसने सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए उसको मारा है। इसने समाज को यह झूठा यकीन दिलाने के लिए दिलीप के खून से हाथ रंगे हैं कि वो पतिव्रता स्त्री है। कौन की नजर में सिर्फ दिलीप की कातिल है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं किसकी गर्दन पर दो बेगुनाह इंसानों का खून लेना हक है। एक को मारकर इसने हमेशा के लिए चैन की नींद सुला दिया और दूसरे की जिंदगी को मौत बनाकर तड़पता हुआ छोड़ दिया इसने। यह है तुम्हारी उस मॉडर्न सोसाइटी की जिंदा तस्वीर जो अपने पति के दिलासे के लिए अपने प्रेय को दोस्त के नाम से पुकारती है। दोस्त के नाम से इस वक्त जिस तरह तुम इस फाइल की तरह मेरे हाथ में आ गई हो, जी चाहता कि तुम्हारे दिल के तारों को भी इस तरह छेड़ लूं कि पर सर से पांव तक झंझना उठो। ये तार तो कब से झंझना रहे हैं पति से,
लेकिन तुम्हें इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। झूठी तसल्ली से कुछ नहीं बनेगा रेशमा। तुम्हारे दिल के ये तार बज रहे होते तो मैं लोहे के तारों से अपनी उंगलियां जख्मी क्यों कर लेता। ये तुमने क्या किया? तुम्हें मुझ पर यकीन ना था? नहीं, मैंने तो समझ लिया था कि आज तुम भी हीर से आल होगी। हीर से आल? हीर से आल। पंजाब में तो मशहूर प्रेमिकाएं होंगी, उनमें से एक का नाम था हीर से आल। तो उसने क्या किया था जो तुमने भी मुझे वही बना दिया? हीर से आल वक्त आने पर अपनी शादी रचाकर उस रांचे को धोखा दे गई जो उसके लिए तख्त हजारा छोड़कर आया था। और दूसरी कौन थी? सोहनी कुमार। वो अच्छी थी क्या? सोहनी वो सबसे ज्यादा वफादार साबित हुई और आखिरी वक्त तक चनाब जैसे खूनी दरिया को सिर्फ एक मट्टी के घड़े के सहारे तह आधी आधी रात को अपनी माई बाप के पास पहुंचती रही। यहां तक कि एक रोज जब उसकी ननद ने पक्के घड़े की जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया तो वो ये जानती हुई भी कि इसकी मट्टी पानी में घुल जाएगी सिर्फ इसलिए दरिया में उतर पड़ी कि वापस लौटने से मोहब्बत को ताप लगता। लेकिन एक सोहनी का ऐसा होने से क्या होता? अक्सर लड़कियां ही साबित होती। शायद गोपाली ठीक कहता है। लेकिन सच्चा कौन है इसे साबित करने के लिए तो वक्त चाहिए। नहीं रेशमा, सच्चे आदमी के लिए हर वक्त इम्तिहान का वक्त होता है। जो लोग किसी बात के लिए वक्त का इंतजार करते हैं वो उसे कभी नहीं पकड़ सकते। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता रेशमा। बड़े बदतमीज शौहर हो, बीवी को अकेला छोड़ दिया और बारिश होने वाली है। क्या करें, कितना समझाया मानती नहीं। नहीं मानती तो दो हाथ मारकर ठीक करो। बिल्कुल, अब यही करना पड़ेगा। चलो अंदर चलो। चलो ये मालूम होता है माँ बाप ने इस लड़की का दिमाग खराब कर दिया। यही बात। अब तुम क्या कर रहे हो? चलो दरवाजा बंद कर लो। दरअसल दरवाजा दरवाजा बंद कर लो। घबराइए नहीं खूबसूरत बला। ये देखिए, ये रहा आपका कमरा और ये रहा मेरा कमरा। मैं नहीं रहूंगी यहां। आखिर आप क्या समझ रही हैं अपने दिल में? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी खूबसूरती, आपका पैसा कोई चीज मेरी नजर के सामने नहीं। मुझे सिर्फ एक ही लालच है आपसे और वो है इस सफर की खूबसूरत सी कहानी लिखो, वो कहानी अखबारों में छपे और देश भर में मेरा नाम हो। समझी? तो आप किसी अखबार के एडिटर हैं? जी नहीं, लेखक हूं। तो ये लालच है आपको? तब तो मैं यहां हरगिज नहीं रहूंगी। अभी कूदती हूं इस दीवार से। शौक फरमाइए, ज्यादा से ज्यादा पैर टूट जाएगा तो उठा लाऊंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस कहानी का नाम खूबसूरत बला के बजाय लंगड़ी बला हो जाएगा। रहम कीजिए, सूरत देखिए, मालूम होता 12 बजे। जी बरसात। आपके हमदर्दी का शुक्रिया। मेरी मानिए घर वापस चलिए। इस आदमी के लिए ये सब कुछ करिए, वो आपके लायक। आप कैसे कैसे? मैं रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर की नजर से किसी के कारनामे नहीं छूटते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सुमन कैसा आदमी। आपसे पहले सेठ मोहनलाल की लड़की, उसके बाद राय बहादुर की भतीजी और अब आप। शर्म नहीं आती आपको किसी पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? ये मेरी जिंदगी, मेरा जो जी चाहेगा मैं करूंगी। आप कौन होते हैं मुझे सलाह देने वाले? सावन के अंते को हरा ही हरा नजर आता। मत मानिए, जिस दिन ठोकर खाइएगा उस दिन याद कीजिएगा किसी भले आदमी ने आपसे कुछ कहा था। मैं कहानी के बारे में सोचने जाता हूँ, जो जी चाहे। जनाब वाला, सरकारी वकील ने कहा कि मुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए। जी मुझे वही सजा दीजिए। मैं अनाड़ी हूं, हम जैसों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस दुनिया में जीने का अधिकार तो उनको है जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने वापस नहीं किए। ये दुनिया दिल वालों की नहीं, दिमाग वालों की है। ये भूख और जंग की दुनिया जहां आदमी जितना ही नीचे गिरता है समाज उसे उतना ही ऊंचा स्थान देती है। ये गिद्धों और भेड़ियों की दुनिया जहां जिंदगी भीख मांगती है और मौत के सौदागर राज करते हैं। मिसेस डिसा मेरी क्या लगती थी? मां? एक हिंदू लड़के की क्रिश्चियन मां हो ही कैसे सकता? जनाब वाला, सरकारी वकील के साथ मैं भी दरखास्त करता हूं
मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि दूसरों के लिए एक सबक हो। चंद कातिल ऐसे भी मौजूद हैं इस दुनिया में, इस अदालत में भी मौजूद है, जिनके हाथ खून में रंगे हुए लेकिन कानून उन पर हाथ नहीं डाल सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूं यह अदालत आखिरी अदालत नहीं, ये फैसला भी आखिरी फैसला नहीं। वो किस किस अदालत से बचेंगे, कौन कौन से फैसले से भागेंगे? जनाब वाले बस मुझे और कुछ नहीं कहना। वाह, राज कपूर की पर्सनालिटी की तरह उनकी फिल्म्स भी मल्टीफैसेटेड थीं। भरपूर एंटरटेनमेंट के साथ उन्होंने रोमांस, ड्रामा, सोशल अवेयरनेस, हर जॉनर की फिल्म्स बनाई। उनका क्रिएटिव पैशन कभी कभी उन्हें हद से बाहर भी ले जाता था, जैसे कि मेरा नाम जोकर के वक्त हुआ। लेकिन एक ट्रू शोमैन की तरह उन्होंने कहा द शो मस्ट गो ऑन एंड ही केम बैक विद अ बैंग। राज साहब की कुछ और बातें करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। आप सभी को मेरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसी ही खूबसूरत यादें स्क्रीन लेजेंड्स पर हमारे साथ ताजा करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।